वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग रब्बू ब्लॉग रब्बू आप सबका रब्बू। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग, आई होप करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज मेरे घर के सामने शादी का फंक्शन है, तो जस्ट मेरे घर के सामने ही वहाँ पे मिठाइयाँ बनाई जा रही है। तो गाइस चलते हैं वहाँ पे, किस तरीके से मिठाइयाँ बनाई जा रही है देखते हैं। तो गाइस देखें यहाँ पे ये पूरा सेटअप है, तो किस तरीके से यहाँ पे मिठाइयाँ तैयार करी जा रही है, रसगुल्ले वगैरह बनाए जा रहे हैं। तो अंकल के पास चलते हैं। क्या चीज है अंकल जी, ये क्या? ये धाप है, धाप ये खोआ धाप है। ये क्या चीज है अंकल जी? ये 6 रुपए बेकिंग पाउडर है। अच्छा, बेकिंग पाउडर। ये क्या चीज है? इलायची है। अच्छा, मीठी इलायची। ये मैदा डाली जा रही है, उसमें तराजू से नाप के कितनी डालनी है कितनी नहीं डालनी है सब अपने हिसाब से। 2 किलो मैदा डाली जा रही है। 2 किलो मैदा डाल लिया है और अब इसको मिक्स किया जा रहा है। यहाँ पे धाप बन के तैयार हो चुका है, खोए का धाप बोलते हैं। देखिए खोए का धाप ये भाई बना रहा है, रसगुल्ले गोलियाँ बना रहे हैं। यहाँ पे अंकल जी बना रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से। देखिए तैयार कर दिए बना के, तो ये देखिए वो रसगुल्ले बन के तैयार हो गए। अब इसमें डाले जा रहे सिकने के लिए। ये देखिए ये रसगुल्ले सिक गए हैं, ये मीठी चाशनी है, इसमें मीठे करने के लिए डाल दिया रसगुल्ले। तो गाइस देखिए फाइनली हमारे रसगुल्ले बनके तैयार हो गए हैं। और देखिए भैया उन कढ़ाई में से उन रसगुल्लों को निकाल कर अलग एक बड़े से भगोने में रख रहे हैं। मैंने वीडियो में आपको दिखा दिया है कि किस तरीके से मिठाई तैयार करी जा रही थी, और अंकल जी सभी तरीके की मिठाइयाँ बनाते हैं सभी प्रकार की। तो गाइस अगर आप भी कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं छोटा या बड़ा जैसा भी, तो आप अंकल जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अंकल जी का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से जाके अंकल जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। गाइस बेल आइकन जरूर दबा लेना गाइस, काफ़ी लोग बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है, तो बेल आइकन जरूर दबा लेना। थैंक यू।